नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन दावत। बात राजस्थान की खबरों में सबसे पहले करते हैं छिपा बढ़ोत की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ इनके पास से 35 किलो डोडा चुरा बरामद कर लिया है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लड़पुरिया की तरफ से आ रही बुलेरो से 35 किलो डोडा चुरा पोस्ट समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानेदार विजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि के निर्देश के अनुसार की जा रही गश्त के दौरान क्षेत्र के लाड़पुरिया की तरफ से आ रही सफेद बुलेरो को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 4 बैगों में भरा हुआ 35 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद कर बुलेरो समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं धौलपुर में भी पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 8 अवैध देसी कट्टे बरामद किए। मनिया थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि सीओ वासुदेव सिंह के सुपरविजन में की गई कार्रवाई के दौरान मुखबिर की सूचना पर डंडोली मोड़ से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार ओडेला रोड निवासी दुष्यंत को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 देशी कट्टे बरामद किए गए। वहीं मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हिनौता चौकी के पास से कागरौल निवासी पंकज को 4 देसी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है। इसने आज 2 अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 अवैध देसी हथियार जब्त किए गए, जिनको थाना पर लाकर प्रकरण दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य प्रकरणों के खुलासा होने की उम्मीद है। सर जारी है, पूछताछ चल रही है। मुखबिर खास की सूचना मिली थी। अब बात करते हैं धौलपुर के तकीपुर गांव की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरों में हाई टेंशन का करंट दौड़ पड़ा। आपको बता दें कि इस करंट की चपेट में आने से 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। वहीं घर में रखे जितने भी बिजली के सामान थे वो सभी खराब हो गए हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के तकीपुर गांव में हाई टेंशन लाइन का करंट घरों में दौड़ गया, जिससे घरों में लगे बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए। साथ ही करंट की चपेट में आ जाने से एक मवेशी की भी मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं करंट की चपेट में आई हैं जो घायल है। हाई टेंशन तारों से स्पार्किंग होने से गांव की सप्लाई की केबल जलकर जमीन पर गिर गई। घरों में करंट दौड़ने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल बिजली निगम के आला अधिकारियों को दी, लेकिन 1 घंटे तक ना तो बिजली सप्लाई बंद की गई, ना ही निगम का कोई भी कर्मचारी गाँव पहुंचा, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने पटवारी हलका को दी। पटवारी हलका की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल ने मौके पर चिकित्सक बुलाकर करंट की चपेट में आई महिलाओं का उपचार कराया और मृत मवेशी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लाइट की वजह से हम लोगों ने लाइट वाले को फ़ोन किया, फिर भी उन्होंने लाइट नहीं काटी। हमारे यहाँ एक भैंस मर चुकी है, कुत्ता मर चुका है और 4 महिलाओं को करंट आ चुका है। सारा गांव रोने लग गया, सब इधर उधर हो चुके हैं और महिलाओं को करंट आने की वजह से सब घबरा चुके हैं। एक भैंस मर चुकी है। आग लगी है या फिर तो लाइट की केबल से मीटर वगैरह सब फूक गए हैं, मीटर भी फूक चुके हैं, थम्मों में भी आग लग चुकी है। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आकाश शर्मा धौलपुर पहुंचे। धौलपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। धौलपुर पहुंचने पर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आकाश शर्मा का खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। केरला राज्य के इडुक्की जिले में 26 से 30 सितंबर को आयोजित हुई राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के आकाश शर्मा ने 83 किलो भार वर्ग में कुल 582.5 किलो भार उठाकर राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव आकाश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान सहित धौलपुर जिले का नाम रोशन किया, जिसके उपलक्ष्य में शुक्रवार को आकाश शर्मा और पावर लिफ्टिंग संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा का धौलपुर आगमन पर जिला पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो केरल में आयोजित 26 और 30 सितंबर को हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल राजस्थान की तरफ से लगा है, जिसमें मैंने 582 kg कुल टोटल भार उठाकर मैंने राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये गोल्ड मेडल मेरे परिवार में भगवान और मेरे आशीर्वाद में साथियों के आशीर्वाद से वजह से आया है। मैं इनको सारा श्रेय के अपने साथियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया। मैं नेशनल पर गया, नेशनल में मैं गोल्ड मेडल लेकर आया, आज इतना अच्छा स्वागत किया है। मैं बहुत 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 मैं हैप्पी हो रहा हूँ इस देख के, माहौल को देख कर। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनको बस ऐसे ही इनके साथ मेरे लिए बना रहे। तो
वहीं धौलपुर में यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। धौलपुर में परिवहन विभाग की ओर से आयोजित न्यू ईरा पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियम चालकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो असामयिक मृत्यु हो जाती है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से समय समय पर चालान की कार्रवाई को भी अमल में लाया जाता है, मगर हमें खुद अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया है कि बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के वाहन का उपयोग ना करें। समारोह के दौरान मनीष कश्यप एंड ग्रुप द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हेलमेट का उपयोग विषय पर मनमोहक संगीत में नाटक का प्रदर्शन किया गया। तो वहीं धौलपुर में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में कोतवाली थाना इलाके के NH-3 पर चंबल पुल के पास बाजरे की फसल काटने जा रहे ट्रैक्टर सवारों के पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर सवार 5 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया, जबकि चार घायलों को गंभीर हालत होने पर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली थाना के उप निरीक्षक अमित कुमार शर्मा ने बताया कि भरतपुर और अलवर जिले के रहने वाले 5 लोग ट्रैक्टर को लेकर मध्य प्रदेश में बाजरे की फसल को काटने जा रहे थे, तभी चंबल पुल पर ट्रैक्टर की लाइट खराब हो जाने की वजह से ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को लाइट ठीक करने के लिए रोक लिया। इसी दौरान पीछे से आ रही एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में अलवर निवासी मुशर्रफ की मौत हो गई। पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं ट्रक चालक की तलाश जारी है। हाँ जी, आज सुबह करीब 4:30 बजे सागरपाड़ा अस्थायी चेक पोस्ट के पास चंबल ब्रिज के ऊपर एक DCM गाड़ी ने एक थ्रेसर में जिसमें कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी मैं कार्य चल रहा था उसमें पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 व्यक्ति इसमें घायल हैं और जिनमें से 2 आदमियों को अग्रिम उपचार के लिए जयपुर और आगरा रेफर किया हुआ। प्रदेश में नवरात्र महोत्सव चल रहा है, इसी कड़ी में छिपा बड़ोत में नवरात्र महोत्सव कार्यक्रम में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की झांकियां सजाई गई। छिपा बड़ोत में नवरात्र महोत्सव चलते माँ दुर्गा नव युवक मंडल के द्वारा सब्जी मंडी में सजाई गई माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की आकर्षक झांकियां, इसका उद्घाटन श्रीमती गौराबाई कुशवाहा ने किया। वहीं दुर्गा बाल नव युवक मंडल रतनपुरा रोड पर बनाई जा रही झांकी का राघवेंद्र ने उद्घाटन किया। झांकी दर्शन में महिलाओं और पुरुषों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कस्बे में भी जगह जगह माता रानी की झांकियां बनाई जा रही है। नवरात्रों के चलते कस्बे का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।